यार मुझे जल्दी से एक बात बताओ, आपने टाको बेल के वो नए वाले टाको ट्राई किए हैं? वैसे आपको पता है कि पिज्जा हट वालों ने भी नए थिन क्रस्ट पिज्जा लॉन्च किए हैं। देखो भाई तुम लोग अब समझदार हो, अब पता है ना कि आज पूरे दिन क्या होने वाला है। तो सीन ये है, आज तुम्हारा भाई ट्राई करने वाला है न्यूली रिलीज्ड फूड आइटम्स फ्रॉम डिफरेंट फास्ट फूड ब्रांड्स। भाई ये वीडियो ना मैं हर 6 महीने में एक बार कर लेता हूँ, ताकि जब तुम लोग वहां पे ये नए खाने खाने जाओ तो तुम्हें पता हो कि भाई ये ऑर्डर करने हैं या नहीं। देख लो कितने पैसे बचा रहा हूँ तुम्हारे। Oh my God! Wow! आज के खानों की लिस्ट एकदम रेडी है, पहले टाको बेल चलें। वैसे बड़े दिन हो गए यार टाको बेल के टाको खाए हुए, है ना? टाको बेल वालों ने ना एक तो भाई अपने नए कूलर्स लॉन्च किए हैं, वन इज ग्रीन लेमनेड और एक पीच फ्लेवर है और एक मैंगो फ्लेवर है, और साथ में ना इन्होंने टाकोस लॉन्च किए हैं इन वीट शेल, मतलब जो इनका जो बाहर का शेल होता है वो वीट है, और वो मैंने एक ऑर्डर कर दिया। एंड एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी इन्होंने लॉन्च की है, दैट इज़ बटर चिकन टाको एंड मखनी पनीर टाको और सीख कबाब टाको। सीख कबाब टाको मैंने ऑर्डर नहीं किया अभी। ये है यार इनका वीट शेल टाको, जो कि नॉर्मल टाको जैसा ही लग रहा है। ओके लेट मी टेक अ बाइट। टाको बढ़िया भाई, सही में इसके अंदर इन्होंने सार्फीम डाली हुई है, किडनी बीन्स हैं, खूब सारी वेजीज हैं, वेजीज बढ़िया से वेजीज डाली हुई हैं, सही है भाई। मतलब ऑनेस्टली जैसे इनका नॉर्मल टाको टेस्ट करता है ये एकदम वैसे ही टेस्ट कर रहा है। 100 रुपये का टाको है और 2 बाइट में ख़त्म हो जाता है, ये सीन है इसका। अब ना लेट्स ट्राई दिस कूलर, वैसे मैं ऑलरेडी ये ट्राई कर चुका हूँ और ये मुझे बहुत सही लगा। इसमें से ना थोड़ी थोड़ी आम पन्ने वाली वाइब आ रही है, बट ये आम पन्ना है नहीं, ये इन्होंने अलग ही कोई लेमनेड बनाया है, बट इसमें मसाला बड़ा सॉलिड है, ये सीन है। और इन्होंने आइस कुछ ज़्यादा ही भर दी। अब यार इनका पनीर मखनी टाको हो जाए। बाय द वे आपको हार्ड शेल पसंद है या फिर सॉफ्ट शेल? मुझे हार्ड शेल ही टाको ज़्यादा पसंद आते हैं, मतलब वो क्रंचीनेस, होय होय मज़ा आ जाता है। भाई पता क्या, इनकी ग्रेवी बहुत अच्छी है, बट द थिंग इज एकदम नीचे ही पनीर और उसकी ग्रेवी है, ऊपर एकदम वेजीज हैं, तो नीचे ही मुझे पनीर का फ्लेवर आ रहा है, ऊपर तो नॉर्मल टाको ही लग रहा है। भाई पता क्या, 150 रुपये का टाको है और इसके अंदर ये जो इन्होंने पनीर वाली ग्रेवी डाली हुई है थोड़ी फैला के डाल दे, ऊपर से भी एक राउंड डाल देते तो मज़ा आ जाता, सही में। मेरा ना अब सी कबाब वाला टाको भी ट्राई करने का मन कर रहा है, मतलब आई वॉन्ट टू सी भाई इन्होंने ऐसा क्या किया, सही में। गाइज ये है इनका सी कबाब टाको, तो सीन चेक करो, सी कबाब है, ऊपर वेजीज हैं, एंड दिस इज अ सॉफ्ट शेल टाको। सॉफ्ट शेल टाको टाको थोड़ी ना होता यार, मतलब इसको आप चेकआउट करो, मैं इसको रोल बना के खा सकता हूँ, ये सीन है। टाको तो यार वो एकदम क्रिस्पी होता है, जो बाइट लो और चटक की आवाज आए, ये सीन है। दिस इज अ गुड रोल, आई मीन टाको। भाई साहब इन्होंने इसके अंदर नींबू भी डाला हुआ है और इसके अंदर सिरके वाले प्याज भी डाले हुए हैं, ये सही है भाई। वो नाइस यार, इसके अंदर जो सॉस है वो भी बहुत अच्छी है। ऑल्सो ये रोल ना, आई मीन ये टाको ना 100 कितने रुपीज़ का है, 156 रुपीज़ का है, तो सही है। आउट ऑफ ऑल मुझे यार यही बेस्ट लगा। हेलो गाइस, लंच सीन ना भाई एकदम सुपर डुपर सॉर्टेड है। लंच में भाई मैं खाने वाला हूँ पिज्ज़ा, और मैं आया हूँ अभी पिज्ज़ा हट में। भाई पिज्ज़ा हट वालों ने भी थिन क्रस्ट पिज्ज़ा रिलीज़ किया है। यार वैसे अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो ना, डोमिनोज और पिज्ज़ा हट में से वैसे मुझे ज़्यादा बेटर पिज्ज़ा हट का पिज्ज़ा लगता है, क्योंकि ना उनका जो बेस होता है वो बड़ा फ्लफ़ी होता है, और यार मतलब आई कॉन्ट इवन इमेजिन पिज्ज़ा हट का पिज्ज़ा विदाउट दैट फ्लफ़ी बेस। और ये ना मैंने वेजी बारबेक्यू बोल्ड कुछ ऐसा ही पिज्ज़ा ऑर्डर किया है, ओ भाई साहब क्या ये थिन क्रस्ट है बढ़िया सा, एंड ये 700 रुपये का है, सही में भाई साहब दिस इज एक्सपेंसिव। बोल्ड बारबेक्यू पिज्ज़ा थिन क्रस्ट 709 रुपये।
पिज्जा हट। ये पिज्जा ना मुझे कहीं से पिज्जा हट वाली वाइब नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा है मैं एक कैफे में आया हूँ, वहां पे मैंने पिज्जा ऑर्डर किया है, वहीं मिलते हैं भाई ऐसे थिन क्रस्ट पिज्जा। बट इट्स गुड, गुड फ्लेवर्स भाई। ऑलरेडी ट्राई खा चुका हूँ और ऐसा लग नहीं रहा मेरे पेट में कुछ गया भाई। बिल्कुल भी हैवी नहीं है पिज्जा एंड आई थिंक मैं पूरा अकेले खत्म कर सकता हूँ सही में। भाई बताए क्या, यहाँ ना बच्चों की पार्टी होने वाली है, बलून्स वगैरह लग गए हैं, ठीक है तो जल्दी से पिज्जा को रैप अप करता हूँ इससे पहले कि बच्चे यहाँ पे आ जाएं। एंड देन चलते हैं स्टारबक्स, क्योंकि स्टारबक्स वालों ने भी ना समर ड्रिंक्स लॉन्च किए हैं और एक डेजर्ट भी लॉन्च किया है। आई नो खर्चा होने वाला है बट ठीक है, वंस इन अ वाइल। गाइस क्या बोला था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, वंस इन अ वाइल चलता है ना भाई साहब। 800 रुपए का बिल आया है। सीन कुछ ऐसा है भाई, स्टारबक्स वालों ने 6 वेराइटीज की ड्रिंक्स लॉन्च की हैं और 3 डेजर्ट्स लॉन्च किए हैं, जिसमें से कि मैं 2 डेजर्ट्स लेके आया हूँ और एक ड्रिंक लेके आया हूँ। भाई वहां पे ना एक मैंगो ड्रिंक थी जिसमें ऑलमोस्ट 1000 कैलोरीज थी, तो मेरा मन तो था यार वही ऑर्डर करने का, बट वो कैलोरीज देख के ना मेरे को हो गया भाई नहीं इसको रहने देते हैं। तो मैंने ऑर्डर किया है ये ड्रैगन फ्रूट मैंगो रिफ्रेशर, और साथ में ना मैंने एक ये कस्टर्ड पिनव्हील ऑर्डर किया है और मैंने एक मैंगो पचाड़ी पफ भी ऑर्डर किया है। होल्ड ऑन लेट मी शो यू। ओ भाई ये मैंगो पचाड़ी पफ नहीं है भाई, ये तो कोई इन्होंने पैटी मुझे थमा दी। वो मैंगो पचाड़ी पफ का सीन पता है क्या था, उसके ऊपर ना मतलब ऐसी पैटी थी और उसके ऊपर भाई मैंगोस थे। यार स्टारबक्स वालों ने लुल कर दिया मेरा फिर से। एनीवे चलो भाई इनकी पहले ये ड्रिंक ट्राई करते हैं। ओके मैंगो ड्रैगन फ्रूट रिफ्रेशर। भाई देखो सच बताऊं ये मैंगो ड्रिंक तो बिल्कुल भी नहीं है, हाँ ये ड्रैगन फ्रूट पंच जरूर लग रहा है जो भी इन्होंने बताया। एक्चुअली ना इन्होंने इसके ऊपर मैंगो के थोड़े बहुत लाइक स्लाइसेस काट के डाले हुए हैं, पता नहीं यार वो मेरे पेट में कैसे जाएंगे, इतना सा इनका स्ट्रॉ है और भाई ये खुल भी नहीं रहा है इनका ना। यार ये कस्टर्ड पिनव्हील ट्राई करते हैं, मैं सच बता रहा हूँ ये मैं पहले भी ट्राई कर चुका हूँ और जब मैंने पहले ट्राई किया था यार ये मुझे बहुत सही लगा था। ये ना थोड़े टाइम पहले इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल चल रहे थे तो आई गेस ये वहीं से उठा के लाए हैं। ओके लेट मी ब्रेक इट अप फॉर यू। ओह ओए होए क्या लग रहा है यार ये। वैसे जो मैंने पहले पिनव्हील खाया था ना वो ज़्यादा अच्छा था यार, वो एकदम क्रिस्प था फ्लेवर, ऑल दो उसका भी वैसा ही था, बट ये तो सौगी हो गया यार। एंड स्टारबक्स वालों ने यार वो मेरा मैंगो पचाड़ी पफ भाई कैंसिल ही कर दिया। भाई देखो ऑनेस्टली ये ड्रिंक तो ठीक ठीक है, मतलब 100 रुपए की इजिली बाहर मिल जाएगी। एंड पिनव्हील इनका मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं, बाकी जो तीसरी चीज़ मुझे खानी थी जो कि डिस्प्ले में इतनी अच्छी लग रही थी वो इन्होंने मुझे दी नहीं, तो आज तो भाई स्टारबक्स वालों ने मुझे गुस्सा भी दिलाया, मेरे पैसे भी जलाए हैं, तो इन्होंने ये सीन किया है। तो अगर तुम्हें ये सब ट्राई करना हो तो एक बार जाके कर लो, मतलब तुम्हारी मर्जी है ठीक है। मेरा तो हो गया स्टारबक्स के साथ, अब मैं वहाँ नहीं जा रहा जब तक कुछ नया नहीं आता, आई मीन जब तक कुछ कंटेंट के लिए वहाँ नहीं आता, ये सीन है। अब यार मैं घर जा रहा हूँ एंड घर जाके ना वेंडीज से कुछ नया ऑर्डर करेंगे। आई नो मतलब वेंडीज ना मैं बहुत सालों बाद खाने वाला हूँ, तो घर चलते हैं एंड सी यू देयर। वैसे वेंडीज आपको पता है ना भाई वो बर्गर ब्रांड है, वेंडीज बाहर ना US वगैरह में बहुत फेमस है, इंडिया में भी आए थे बट यार यहाँ ना वो इतने फेमस नहीं हुए। वैसे वेंडीज के साथ ना मेरी एक स्टोरी भी है, वो मैं बाद में बताऊंगा, बट उनके मेन्यू में जो नया आया ना पहले वो दिखाता हूँ आपको। ये चेक करो भाई इनके ना ये न्यू मेक्सिकन बर्गर्स आए हैं, 3-4 ऑप्शंस हैं इसमें और मेरा मन कर रहा है भाई ये सही लग रहा है, देखना यार कितना लोडेड सा बर्गर लग रहा है। भाई सही बता रहा हूँ ये बर्गर देख के ना मन सा ललचा गया मेरा, मैं ये ऑर्डर कर रहा हूँ एंड मिलते हैं भाई। ओके सी यू इन अ व्हाइल। तो अ फ्यू मिनट्स लेटर सीन कुछ ऐसा है, मैंने बर्गर के साथ साथ ना चीजी एलापेनियो नगेट्स भी ऑर्डर किए हैं। ये रहा भाई इनका बर्गर, इतने चुन्नू से नगेट
ये चेक करना, इसको तोड़ के दिखाता हूं। ओके, ये तो कोई फ्रोजन वाले हैं यार। अब इनका ना बुर्गर ट्राई करते हैं। ये री वेंडीज वाली दीदी मेक्सिकन स्पाइसी बर्गर, बर्गर तो सही है, सही उस उसमें सही है कि फ्लेवर बहुत डिफरेंट है। इसके अंदर इन्होंने आलू पीने भी डाले हुए हैं, भाई क्या पंच आ रहा है उसका, सही है भाई। देखो 216 रुपए के हिसाब से तो ये बर्गर मुझे थोड़ा सैड सैड ही लगा, बट टेस्ट बहुत डिफरेंट है, बहुत यूनिक फ्लेवर्स है भाई। भाई इनके नगेट्स तो बेकार हैं, थोड़ा तो मत ट्राई करना। ये बर्गर आप फिर भी एक बार ट्राई कर सकते हो। वो पिज्जा हट का ना थोड़ा सा पिज्जा बचा हुआ है। हाँ मैं वहां पे कह तो रहा था कि ये पिज्जा मैं अकेला ही खा जाऊंगा, बट भाई खाया नहीं गया, दो स्लाइस अभी पड़े हुए हैं, तो वो खा के मैं काम चलाऊंगा, ठीक है। आई रियली होप यार आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। भाई आई नो आजकल वीडियोस थोड़ी स्लो स्लो आ रही हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है ना मैं कहाँ थोड़ा बिजी हूँ, तो यार वो चीज़ें मैं सॉर्ट कर रहा हूँ, देन थोड़ा कंटेंट बनाएंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। ये सीन है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैप्पी ईटिंग।